गुना जिले के चाचोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चाचोड़ा तहसील के पेंची ग्राम से निकले आईआरएस अधिकारी प्रद्युम्न सिंह की पत्नी प्रियंका पेंची ने लाखोरी ग्राम में पहुंचकर ट्रैक्टर चलाकर की बोनी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इसके साथ ही आगे मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रियंका पेंची इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चाचोड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनवा रही है। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रही। इसी दौरान वो लाखोरी ग्राम पहुंची जहां पर एक किसान ट्रैक्टर से खेत की बोनी कर रहा था और प्रियंका ने खुद ट्रैक्टर पर बैठकर किसान के साथ मिलकर ट्रैक्टर चलाकर खेत में बोनी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं प्रियंका पेंची ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि मुझे खेती से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, मुझे खेती करना अच्छा लगता है और ट्रैक्टर चलाकर मुझे एक नया एक्सपीरियंस भी मिला है। वंदे भारत से रोमियो की रिपोर्ट। डोर टू डोर संपर्क चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आज ग्राम लाखोरी में आज मेरा जाना हुआ। वहाँ पे किसान भाई खेती कर रहे थे, बोनी कर रहे थे, तो मैंने भी आज ट्रैक्टर चला करके बोनी करी। तो मुझे, मेरी रुचि है किसानी में और खेती करने में, तो मैं जानती तो नहीं थोड़ा बहुत, पर मैं अच्छा लगता है कि अगर कोई किसान खेती करता है। तो मैंने भी आज ट्रैक्टर चलाया, आज बोनी करी और मैंने आज एक नया एक्सपीरियंस लिया कि किस तरह से बोनी की जाती है। और माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण हुए, जिसमें किसान सम्मान निधि भी दी जाती है 2000 रुपये। ये सब जाकर के मैं घर घर भी मैंने सब चीज़ में चर्चा की और भी लाडली बहन योजना के बारे में बताया।